हाय गाइस, आज हम बताएंगे डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर क्या है, इसमें क्या क्या सुविधा आप ले सकते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहां पर सर्च में जाइएगा, डिजी लॉकर सर्च मारिएगा। सर्च मारने के बाद कुछ इस तरह का आपको लोगो दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर नीचे देखिएगा गेट स्टार्टेड लिखा है, इस पर जाइएगा। दो ऑप्शन आएगा, साइन इन और क्रिएट अकाउंट पे। तो आप इस पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा नाम लिखिएगा, फुल नेम का लिए आया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और 6 डिजिट का पासवर्ड बना लीजिएगा। फिर सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप साइन इन पे आइएगा। साइन इन आने पर तीन तरीके से आप कर सकते हैं, यूज़र नेम के द्वारा, आधार कार्ड के और मोबाइल नंबर के। तो मैं यहाँ पर अभी मोबाइल नंबर के द्वारा लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट जो पिन बनाए हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप कर लिया। तो जिस तरह का ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर ऑप्शन आएगा। मेरा यहाँ आईडी बनी हुई है तो इस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पर आप जाके ड्राइव में जाके यहाँ न्यू में जाके अलाउ करके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आप आना डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है, प्लस पे, और यहाँ अपलोड, और अंदर फाइल खुल जाएगी और उसे आप सेव कर लीजिएगा। जिस तरह का सेम ईमेल आईडी और वन ड्राइव में या गूगल ड्राइव में होता है, उसी तरह ये है। ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन है, ताकि सिक्योर भी है और कोई दिक्कत नहीं है। इसको अप्रूवल है, कहीं मान लीजिए आप लाइसेंस भूल गए हैं या कुछ भी है तो डॉक्यूमेंट्स तो आप इसमें दिखा देंगे तो अप्रूवल हो जाएगा। और जैसे डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका सिक्योर रहे, लीक ना हो, तो किसी कुछ भी चीज़ें इसमें रख सकते हैं आप, ठीक है ना। वर्चुअल कार्ड, नॉमिनी में अपना नाम, यहाँ पर मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर आपका यूज सब सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप फिट करने के लिए दिएगा। और यहाँ पर जनरेट वी कार्ड एक मिलेगा, इसी को आप स्कैन करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएंगे। ये जो होता है ये जनरेट वी कार्ड, इसमें क्या है कि कोई भी स्कैन करेगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पता चल जाएगा कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इतना दिक्कत नहीं होता है। बस ये एक बार कोड स्कैन करने से आपकी सारी जन्म कुंडली पता चल जाती है और बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप कोविड सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं या जो भी ग्रेजुएशन जितना भी है आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। और ये भारत सरकार की ये जितनी सारी पॉलिसी या सुविधा हैं यहाँ से आप देख सकते हैं और इसका सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, पैन कार्ड वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर से अच्छे से आराम से देख सकते हैं। माय एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी दिखाएगा, कितने दिन क्या यूज किया गया है। यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ। माय अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पिन यूज़र नेम बनाने के लिए है, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ से आप सारी सुविधा भारत सरकार के द्वारा दी गई और जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और आपका यहाँ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप भूल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ से आप दिखा कर ऑन मोबाइल में तो आप इसका यूज कर लेंगे तो आप अप्रूवल रहेगा। तो आई होप मेरे इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।